सो ही YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम अनीता शारदा, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्किन केयर। तो उससे पहले हम जान लेते हैं स्किन केयर क्यों जरूरी है। स्किन केयर इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी स्किन को अच्छे से हेल्दीफाई रख सकें। जैसे कि आजकल मेकअप बहुत ज्यादा किया जाता है, तो हमें अपनी प्रॉपर रखनी चाहिए। मेकअप आप चाहे कम लगाएं, बट स्किन केयर आपको डेली करनी बहुत जरूरी है। जैसे कि गर्मियों का सीजन है, चल रहा है, गर्मियां चल रही हैं, इतनी ज्यादा स्वेटिंग है, तो मेकअप वगैरह टिकता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि मेकअप की जरूरत ना पड़े, हम अपनी स्किन केयर इतनी अच्छे से कर लें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं इसमें आपको बताऊंगी। बट ये जो सोल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ, ये किस किस चीज में हेल्प करता है वो आप जान लीजिए। ये हेल्प करेगा आपके जो लार्ज एंड लार्ज पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करने में, उन पोर्स में से गंदगी को बिल्कुल बाहर निकालने में। वन रिजल्ट में ही आपको इसका असर मिलेगा। और साथ ही साथ आपके फेस के ऊपर अगर दाग धब्बे हैं उनको लाइटन अप करता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है जो हेल्प करती है हील करने में, राइट। सो ये काफी ऑयली स्किन वालों के लिए, कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये वरदान है, ड्राई स्किन वालों के लिए भी है। बट इसमें कुछ और चीज ऐड करके ड्राई स्किन वाले भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, राइट। ऑयली स्किन वालों के लिए इसलिए क्योंकि ये ड्राई करता है स्किन को, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो इसके बेनिफिट्स भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। आप इस चीज से बिल्कुल फेमिलियर हैं कि किस चीज के बारे में ये बात हो रही है। तो हमें तो चाहिए पहले एक बाउल। बाउल में आपने लेना है पानी। पानी ले सकते हैं या फिर रोज वाटर ले सकते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उतना लेना है आपने थोड़ी अमाउंट में, फिर उसमें वो आप मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो पहले तो ये बता दूं कि पानी और जो रोज वाटर है वो लोग यूज करें जिनकी कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन है। जिनकी ड्राई स्किन है वो दही के साथ या फिर इसमें आप ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए। तो ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने क्या ऐड करना है, इसमें हमने ऐड करना है ये, कोई बता सकते हैं ये क्या है? ये है मुल्तानी मिट्टी, ऑर्गेनिक मुल्तानी मिट्टी। वो वाला पाउडर बिल्कुल नहीं लेना है जो मार्केट में मिलता है, मार्केट में इन द सेंस जो पैकेट में दुकान से मिलता है, वो वाला मुल्तानी का पैक आपने नहीं लेना है, क्योंकि उसमें मिक्सिंग होती है, राइट। तो आपने प्योर मुल्तानी मिट्टी लेनी है, जैसे कि मेरे पास है, ये पीसीज में है। ये आपको करियाने के स्टोर पे मिल जाएगी, 10-12 रुपए में ये आराम से इतनी मिल जाती है कि आपका बहुत अच्छे से टाइम निकल जाए। तो पहले तो इसको मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। ऐड कर लिया, जैसे कि मैंने ये भीगने देंगे, भीग के ये थोड़ी फूल जाएगी, फूलने से इसका जो पेस्ट है वो थिक नजर आएगा। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। पुराने टाइम में मुल्तानी मिट्टी से बाल धोए जाते थे, मुल्तानी मिट्टी से नहाया जाता था, मतलब इतनी इफेक्टिव है। आजकल जो प्रोडक्ट आते हैं स्किन केयर के पैक वगैरह जो होते हैं, उसमें भी मुल्तानी मिट्टी का यूज किया जाता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है ऑर्गेनिक वो नहीं है जो पैकेट में आपको मिल रही है, पाउडर की फॉर्म में मिल रही है। ऑर्गेनिक वो है जो पीसेस की फॉर्म में आपको मिल रही है, वो लेनी है आपने मुल्तानी मिट्टी इसमें, राइट। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे रखना है, फिर इसका मैंने बना लेना है पेस्ट। पेस्ट बड़े अच्छे से, क्योंकि 5-10 मिनट में इजिली ये मिक्स हो जाती है एक दूसरे में। पेस्ट आपने इतना बनाना है कि आपके फेस के ऊपर इजिली अप्लाई हो जाए। अब इससे एक और चीज जो है वो सॉल्व होगी, जो आपको फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम है, जिनको ज्यादा फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम है, जब ये ड्राई हो जाए तो उसको आपने हल्का सा गीला करके फिर टॉवल की हेल्प से उसको उतारना है। इससे आपके जो फेशियल हेयर्स हैं वो भी रिमूव होंगे नेचुरली। देखो कितने काम कर रही है, तो ये बेनिफिशियल है। जितनी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं वो बेनिफिशियल होती हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई इट, राइट। तो स्किन केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किन केयर जरूर कीजिए अगर आपने अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, लॉन्ग लास्टिंग रखना है, अपनी स्किन के कोलेजन को अच्छा रखना है, जिससे रिंकल्स की प्रॉब्लम कम होगी, राइट। तो रिंकल्स की प्रॉब्लम कम करने के लिए आप तांबे के कॉपर के ग्लास में पानी पीजिए, उसको ओवरनाइट पानी उसमें रखिए, तो सुबह उठते ही वो पानी आप पीजिए, तो उससे आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम भी दूर होती है। जैसे कि ये देखिए, ये मेरा पेस्ट हो चुका है रेडी। अगर मैं इसको अपने फेस के ऊपर लगाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बिल्कुल पतला पतला लगाना है, ज्यादा मोटी सी लेयर नहीं आपने अप्लाई करनी है, पतला पतला आपने ओवरऑल फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अगर आपको इससे इचिंग होती है तो आपने सेमी ड्राई होने के बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। अदरवाइज अगर आपको बिल्कुल पोर्स में से पोर को क्लीन करना है तो इसको आप पूरा ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद हल्का सा पानी लगाएं ऐसे ऐसे करके, फिर आप अपने फेस को वॉश कीजिए। अगर आप डायरेक्ट सूखने के बाद इसको उतारेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको इरिटेशन हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये स्किन को थोड़ा ड्राई भी करता है। जैसे मेरी ऑयली स्किन है तो इसका मैंने पानी के साथ मिक्स करके इसका यूज किया है। सो ये बहुत ही इफेक्टिव है, आपकी स्किन को बहुत
अच्छा रखेगा डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। आप सभी को पता ही है कि मुल्तानी मिट्टी के फायदे क्या क्या हैं, बट कई बार क्या होता है कोई रिमाइंड करवाने वाला होना चाहिए, तो मैंने ये चीज आपको बता दी है। लगाने की क्वांटिटी कैसी है, पतली पतली जैसे आप देख रहे हैं, पतली पतली लेयर रखनी है आपने इसको लगाने के लिए, राइट। बिल्कुल पतली लेयर रखनी है ताकि ये सूखने में इजिली ड्राई हो। ये हेल्प कैसे करता है, जब ये आपकी मुल्तानी मिट्टी सूखनी स्टार्ट होगी आपके फेस के ऊपर, तो आपकी स्किन में खिंचाव महसूस होगा, स्किन को टाइट करेगी। जब श्रिंक करेगी आपकी स्किन, तो पोर्स में से जितनी भी गंदगी है डेफिनेटली ऑटोमेटिकली ये बाहर आ जाएगी। सो इसको मैंने अभी ऐसे लगा के छोड़ देना है एंड फिर वेट करना है ड्राई होने का। अगर आपको इसको आईज के ऊपर लगाने में भी दिक्कत नहीं है, तो आप इसको अपनी आईज के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज ही ऐसी हैं। और इसकी जो खुशबू है, आई लव दिस, मिट्टी की गीली मिट्टी की जैसे सुगंध आती है ना, वैसी इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये स्किन केयर के लिए बेस्ट है, तो आप डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई इट, राइट। गर्मियों में तो ये वरदान है, तो आपको तो जरूर ट्राई करना चाहिए। ट्राई करके देखिए, बहुत ही अमेजिंग सा जो रिजल्ट है आपको इसका नजर आएगा। तो ये होगी मेरी मुल्तानी मिट्टी डन। अब इसको मैं थोड़ा ड्राई होने दूंगी, ड्राई होने के बाद आपसे मिलूंगी। सो जिनकी स्किन केयर ड्राई है, जैसे मेरी स्किन ऑयली है, तो मुझे अगर मैं पूरा इसको ड्राई कर भी लूं पैक को, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। बट जिनकी ड्राई स्किन है, उनको इरिटेशन हो सकती है, खिंचाव ज्यादा महसूस हो सकता है, तो इससे उन्हें सेमी ड्राई, जैसे अभी सेमी ड्राई हो चुका है, तो अपना फेस वॉश कर सकते हैं। सो अभी जल्दी से मैं इसको वॉश करके जल्दी से आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ, क्योंकि एक बार में यूज करने से मुल्तानी मिट्टी से आपकी जो स्किन है वो स्मूथ हो जाती है, आपके पोर्स क्लीन हो जाते हैं एक बार में, ठीक है। जो दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे कम होंगे आपके, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है। ध्यान रखिएगा, पाउडर वाला आपने नहीं लेना है, जो नेचुरली पीसीज में मिलती है मुल्तानी मिट्टी, वो वाली लेनी है आपने। तो वो लेके आप इसका यूज कर सकते हैं, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो ये मेरी ड्राई हो चुकी है, तो जल्दी से मैं फेस अपना वॉश करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। सो फाइनली मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, तो इसको आपने हल्का हल्का सा डैब डैब करके आपने अपनी स्किन को सुखाना है। और इसके बाद अगर आपकी स्किन ड्राई होती है, तो आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए, जैसे मेरी ऑयली स्किन है। तो ये मैं आपको अपना फाइनल रिजल्ट दिखा रही हूँ। अगर आप मेरी स्किन पास से देखें, तो आपको हल्की सी शाइन नजर आ रही होगी। ये एक बार में रिजल्ट मिला है, पहले मेरे फेस के ऊपर दाग धब्बे बहुत ज्यादा थे, बट इसका यूज करने से जो है बिल्कुल लाइट हो चुके हैं। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट क्या जो घर में मिल जाता है, पानी, रोज वाटर, ग्लिसरीन, आप कुछ भी ले सकते हैं, राइट। उसमें मुल्तानी मिट्टी मेन इंग्रेडिएंट है, वो आप ट्राई कीजिए, आप मेरी स्किन में शाइन देख सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली इट वर्क्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मेकअप वीडियो या स्किन केयर या किसी ब्लॉग के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।